नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममाल बोमसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा पीपल का ट्री है जिसको हम यहां से आज निकाल के दूसरी पॉट में शिफ्ट करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे इसको इस पत्थर पे शिफ्ट किया था। इसके नीचे एक पत्थर है जिसके ऊपर हमने इसको लगा रखा है, वो मैंने ज़मीन के अंदर लगा दिया था। आज हम इसको निकाल लेंगे और अगर इसने अच्छे से जो पत्थर है उस पर अपनी रूट्स चला दी होगी तो इसको हम शो करेंगे, यानी कि इसकी जो रूट्स है उसको शो करेंगे और जो बाकी जो रूट्स नीचे जा चुकी है उनको हम पॉट में लगाएंगे। तो देखते हैं ये कैसे कितना ग्रो किया है। आप इसका पहला वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कैसे है। पीपल का जो ट्री है वो कम वाटरिंग में भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और इसकी रूट्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है। जैसे पीपल की रूट्स यहाँ तक है और इसको यहाँ पे वाटरिंग नहीं मिल रही और यहाँ पे वाटर है तो इसकी रूट्स ऑटोमेटिक वाटर के पास आ जाएगी। पीपल आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे या आप पुरानी बिल्डिंगों के छतों पे मिल सकते हैं आपको, और जो ज़्यादा पुरानी बिल्डिंगें होंगी वहाँ पे अगर आपको मिलेगा तो ये पहले से ही प्री बोनसाई आपको मिलेगा, बिकॉज काफ़ी सालों से वहाँ पे रहता है तो वो उसकी थिकनेस भी आपको अच्छी मिलेगी। जब हम नर्सरी से पीपल बाई करते हैं तो उसकी शेप कुछ अच्छी नहीं रहती, बिकॉज वो नॉर्मल प्लांट की तरह होते हैं, लेकिन जब ये नेचुरल जब ग्रो करते हैं काफ़ी साल तक तो इनकी शेप अच्छी बन जाती है। मैंने अभी इसका डिसाइड नहीं किया कि कैसी पॉट हम इसमें यूज़ करेंगे, जो पॉट मेरे पास है उनमें से ही देखेंगे अगर किस पॉट में ये शिफ्ट होगा उसी में करेंगे। रूट्स इसकी काफ़ी दूर तक फैल गई है। ओके दोस्तों, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम इसको छत पे लेके चलते हैं और वहाँ पे इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो हमने ये जो ट्री है पीपल की ये यहाँ ले आए हैं। अब हम सबसे पहले इसकी जो ब्रांचें हैं जिसका देखिए काफ़ी बड़ी ब्रांचें हैं तो इनका साइज हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे इनको। तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक लीव्स है तो इस लीव्स के बाद हमको यहाँ से काटना होगा ताकि जो नया बर्ड है वो यहाँ से निकले, तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। सेम इस साइड जो ये ब्रांच है ये भी काफ़ी बड़ी है, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब जो ट्री है वो शॉर्ट हो गया है। ये देखिए इसकी दो ब्रांच ये भी है, इनको भी हम छोटा कर देंगे। अब इसके लीव्स सारे रिमूव कर देंगे। लीव्स रिमूव करने का जो तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर बताता हूँ। जैसे कि इस ब्रांच से मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, जैसे कि हमें ये लीव्स रिमूव करना है तो हमें इसकी बिल्कुल यहाँ जड़ से रिमूव नहीं करना है, यानी कि इसके एंड से रिमूव नहीं करना है, हमको यहाँ से रिमूव करना है। इससे क्या हुआ, कुछ दिनों में ये जो हिस्सा इसका है ये ऑटोमेटिक नेचुरली गिर जाएगा और यहाँ से नया बर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी सभी लीव्स रिमूव कर देंगे। तो हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब इसमें जो ग्रास है सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं।
अब इसके बाद इस पर वायरिंग कर देते हैं। पहले वायरिंग के लिए आप सिल्वर की जो वायर होती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर एल्यूमिनियम की जो वायर होती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ सिल्वर की वायर है जो मैं कलेक्ट की थी, यानी कि जो ओल्ड वायर्स होते हैं उनमें से निकाल के मैंने ये कुछ कलेक्ट कर रखी है, तो इनसे हम वायरिंग करेंगे। ओके दोस्तों, अब जो दो ब्रांच ये बच गई है इन पे हम वायरिंग करेंगे। तो मैं सोच रहा था इसका जो ऊपर का जो मेन ट्रंक होता है वो ये जो ड्राई हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से कट कर देंगे, बिकॉज क्रबिंग टूल अपने पास है नहीं, तो इसको हम यहाँ से रिमूव ही करना होगा। और इसको हम रिमूव करने के बाद जो मेन ट्रंक है वो इस ब्रांच को बनाएंगे, तो मैं इसको इस तरह से वायर कर दूंगा और जो ये ब्रांच है ये हम साइड में कर देंगे, तो ट्री का जो लुक है वो आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वायरिंग के अंदर ये ध्यान रखिए कि वायर के अंदर जो बर्ड्स है, यानी कि जहाँ से नया बर्ड आएगा वो जगह ना आए, बिकॉज फिर बर्ड जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ब्रांच पे उतनी ही मोटी वायर करें जिस हिसाब से आपकी ब्रांच है, एक्स्ट्रा वायर को हम रिमूव कर देंगे। जब इस तरह से आप वायरिंग करें, यानी कि ऊपर नीचे ब्रांच और तब आपको वायरिंग करनी पड़े, तो ये ध्यान रखें कि यहाँ से इसको वायर को अच्छे से दबा लें, बिकॉज जब हम इसको यहाँ से वायर करेंगे तो ये यहाँ से हिल सकता है और जो ये ब्रांच है वो टूट सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक हाथ से पीछे से इसको वायर को सपोर्ट करते रहें और फिर आप ट्विस्ट करें, यानी कि इसके चारों तरफ घुमाते जाएं। तो हमने इन पे भी वायरिंग कर दी है, अब हमें क्या करना होगा, इनको शेप देनी होगी। तो इस ब्रांच को जैसे कि मैंने बताया इसको हम मेन ट्रंक बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसको ऊपर की साइड बेंड कर देंगे इस तरह से। और जो इसका जो मेन हिस्सा जो ड्राई हो चुका है इसको हम रिमूव कर देंगे और ये साइड की ब्रांच हो जाएगी, और ये भी हम साइड में इस तरह से। इसको हम इस तरह से बैंड कर देंगे। ये थोड़ी मोटी ब्रांच है तो इसको हम वायर से हैंग करना होगा। वायरिंग हमने कर दी है, अब हमें क्या करना होगा, इसका जो एक्स्ट्रा सोइल है वो निकालते हैं और इसको हम पॉट में शिफ्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक पत्थर के ऊपर है, तो हम उस पत्थर को निकालते हैं और देखते हैं ये ट्री दिखता है या नहीं। इस रूट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, बिकॉज ये जो नेबरी है उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको मैं बिल्कुल शार्प कट करूँगा ब्लेड से। अगर आपके पास रूट प्रूनिंग वाला टूल है तो उससे कर दीजिए, बिकॉज देखिए इससे बिल्कुल शार्प कट हुआ है, बिल्कुल लगेगा नहीं कि यहाँ पे रूट्स थी। अब जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो ठीक है। तो
अब हम इसकी जो रूट्स है उनको पुन कर देंगे और इस पोर्ट के अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे। एक्चुअली में ये पोर्ट क्या है, जो मटका होता है, जो कच्चा गड्ढा होता है उसके ऊपर का हिस्सा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से जो गड्ढा होता है ये उसके ऊपर का हिस्सा है। तो ये हम यूज करेंगे, इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। तो इसके इस होल को ढकने के लिए हम इसके अंदर इसी के टुकड़े यूज करेंगे। ये ठिकरी हम इसके अंदर लगा देंगे, इससे क्या होगा साइडों से इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर सोइल डालेंगे। तो सोइल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पीपल बर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर जो ईंट पत्थर है वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज इनकी जो रूट्स है वो ईंट पत्थर के अंदर ज़्यादा ग्रो करती है। तो जो ईंट होती है उनको तोड़कर उनके टुकड़े कर लें और वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा बजरी मिला सकते हैं, थोड़ा कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो इसके अंदर मैं देखिए ये सोइल डालूंगा जिसके अंदर जो ईंट के टुकड़े हैं वो है और ये थोड़ा गार्डन का सोइल है। तो ये दोनों मिक्स करके हम इसके अंदर लगा देंगे। तो नीचे हम इसके जो कंकर है पहले वो लगाएंगे। और इसके बाद सोइल डाल देंगे। सोइल डालने के बाद हम ट्री को रख के देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर जो स्पेस आपको दिख रहा होगा, काफी स्पेस अभी इसके अंदर है। तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर और सोइल डालना होगा। अब हम दोबारा से ट्री को इस पे रखेंगे। अब ठीक है, इस तरह से हम इसको हिलाकर अच्छे से फिल कर देंगे और बाकी जो सोइल बच गया है वो भी डालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी रूट्स हैं उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। चारों तरफ की जो रूट्स है वो पत्थर के नीचे ही डाल देंगे ताकि हम बाद में जब इसमें सोइल फिल करें तो अच्छे से जो रूट्स है वो नीचे दब जाए। कुछ एक्स्ट्रा रूट्स जो है वो हम रिमूव कर देंगे। से रूट्स का जो रूट बाल है वो काफी मजबूत बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब हम बाद में कभी इसको रिमूव कर भी देंगे, पॉट से भी अलग रखेंगे, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। बिकॉज जो रूट्स है वो चारों तरफ, इसके पत्थर जो हमने लगा रखा है इसके चारों तरफ फैल जाएगी। एक बार हम इसमें सोइल डाल दें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पत्थर है वो कहाँ पे है और फिर इसका लुक जो है वो अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें सोइल भर देंगे। ठीक से सोइल को अच्छे से फिल कर दें ताकि जो पत्थर हमने लगा रखा है उसके नीचे सोइल अच्छे से चला जाए, ताकि जो रूट्स हमने इसके अंदर डाल ली है वो इजीली ग्रो कर पाए और इसका रूट बाल है वो मजबूत हो जाए।
ओके दोस्तों, इस तरह से हमने इसको फिल कर दिया है और इसकी जो रूट्स आपको बाहर दिख रही है इनको हम छोटी रूट्स को हटा देंगे और जो बड़ी रूट है उसको नीचे रहने देंगे। थोड़ी सी बजरी मैं इसके ऊपर से डाल दूंगा ताकि बजरी जब हम वाटरिंग करेंगे तो इसके अंदर चली जाएगी। ओके दोस्तों, लगभग हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे। अब हम इसमें स्प्रे से वाटरिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, इसमें हमने वाटरिंग कर दी है। अभी हम इस पे थोड़ी सी जो स्पंग मॉस है वो यूज करेंगे ताकि जो रूट्स है वो ड्राई ना हो एकदम से। दोस्तों, थोड़ी सी जो स्पंग मॉस मेरे पास पड़ी थी मैं वो अभी यूज कर दूंगा, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। हालांकि हमें ये हिस्सा इसका दिखाना होता है लेकिन मैं इसको अभी इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज अभी हमने इसको निकाला है तो जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा यहाँ पे स्पॉट में तब हम इसको हटा लेंगे। या फिर आप इसके ऊपर जो ग्रीन मॉस है वो क्रश करके डालेंगे तो यहाँ पे वो ग्रीन मॉस इजीली ग्रो कर पाएगी, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्रीन जो मॉस है स्पंग मॉस ये प्योर नहीं है बिकॉज मैंने ये जो मनी प्लांट की जो स्टिक आती है उसके अंदर से निकाली है। इससे क्या होगा, ये मॉइस्चराइजिंग बना के रखेगी और रूट्स को ड्राई नहीं होने देगी। जब इस पे ग्रीन मॉस ग्रो करेगी तभी और भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे जब हमने इस ट्री को लगाया था तब इस रूट को यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद देखिए इसके अंदर से ये एक दो रूट्स ग्रो की थी। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है यानी कि रिपोर्टिंग हमने कर दी है। अब इस प्लांट के अंदर हमें क्या करना होगा, जो इसका जो ये ड्राई एरिया है यानी कि जो ट्रंक है जो सूख चुका है इसको रिमूव करना होगा, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। जब इसकी रूट्स अच्छे से इसको जकड़ लेगी यानी कि पूरा मजबूत हो जाएगा ये, तब हम करेंगे और फिर हम इस ब्रांच को मेन ब्रांच बना लेंगे। इस तरह से ग्राउंड में लगाने से देखिए जो ट्री की जो थिकनेस है वो काफी अच्छी बनी है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।